टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश में महंगाई बढ़ने के आसार बनने लगे हैं, जिसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर रखी हैं। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हर चीज को लेकर एक सीमा तय की गई है। लोगों को कई बार प्याज महंगाई की मार दे चुका है। आपको बता दें कि भले ही आज प्याज के दाम पिछले साल की तुलना में करीब 9% कम है, वहीं सरकार अब प्याज की कीमतों पर रोक लगाने की तैयारी में ठोस कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार अगले महीने से देश की मंडियों में अपने बफर स्टॉक से प्याज की सप्लाई देगी। राज्यसभा में केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी है कि मंडियों में बफर स्टॉक से सप्लाई अगस्त महीने से शुरू होगी और जो कि एक साल के अंत तक चलेगी। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए रिकॉर्ड बफर स्टॉक बनाया है। सरकार ने 2.50 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक तैयार किया है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा है। इस बार प्याज की सरकारी खरीद भी रिकॉर्ड स्तर पर की गई है। देश में प्याज का बंपर उत्पादन हुआ है। देश में टमाटर के भाव एक महीने में ही करीब एक तिहाई नीचे आ गए हैं। पिछले साल के मुकाबले प्याज के दाम 9% सस्ते हो गए हैं। देश भर में प्याज की औसत कीमत घटकर 25.78 रुपए प्रति किलोग्राम है, जो पिछले साल के मुकाबले 9% कम है। वहीं RBI की तय सीमा से खुदरा महंगाई लगातार ज्यादा बनी हुई है। जून में खुदरा महंगाई दर 7.1% रही। RBI ने महंगाई दर की सीमा 6% तय कर रखी है। कच्चे तेल, कॉमोडिटीज और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी होने से महंगाई दर में इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।